आज हम चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स उसकी एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है व्हिच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। यहाँ पे ए बी सी डी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। गिवन ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी के इक्वल डी एफ, ए सी के इक्वल डी एफ है। और दूसरा ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी के इक्वल डी ई है। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। और यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे तीनों साइड को इक्वल बताया है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है। ठीक है, तो जब तीनों साइड इक्वल बताते हैं तो वो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया उसे कहते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब दूसरे में क्या दिया गया है, जेड एस, जेड एक्स इज इक्वल टू आर क्यू, जेड एक्स के इक्वल आर पी है, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई। और दूसरा एक एंगल बताया है इक्वल, एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल उसके इक्वल क्या है, एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे देखेंगे दो साइड है और एक एंगल को इक्वल बताया है। ठीक है, दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो यहाँ पे ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का यूज हुआ है। सी, सी में क्या दिया गया, जी वन एम एंगल एम एल एन, तो एम एल एन मतलब ये एंगल, एफ जी एच मीन्स ये एंगल दोनों इक्वल है। और दूसरा एन एम एल एंगल, एन एम एल मीन्स ये एंगल के साथ इक्वल है जी एफ एच, तो जी एफ एच ये एंगल इक्वल है। और एम एल इज इक्वल टू एफ जी, एम एल के साथ एफ जी इक्वल है, मीन्स यहाँ पे दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल बताए गए हैं और एक साइड इक्वल बताई है। तो ये क्राइटेरिया है बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो बाय ए एस ए मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दो दोनों कैसे हैं, तो ट्राइंगल एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जी एफ। और यहाँ पे था ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वो एस ए एस था। अब लास्ट वाला देखते हैं, गिवन ई बी इज इक्वल टू डी बी, तो ई बी और डी बी इक्वल है, यहाँ सिंबल दिया है वो दोनों इक्वल बनेगा। उसके बाद दिया गया ए इज इक्वल टू बी सी, ए के इक्वल क्या है, बी सी है। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और सी कितने हैं 90 डिग्री, ये सिंबल बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये राइट एंगल है तो उसका ये सामने वाला साइड हो हाइपोटेनस होगा, और ये राइट एंगल है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा। तो बाय राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और हाइपोटेनस मतलब ये बी ई और डी बी बराबर हाइपोटेनस, और एक साइड, उस साइड है ई ए और बी सी, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है वो हमें बताना था। ठीक है, तो पहला वाला था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और दूसरा वाला था एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और तीसरा वाला था ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और लास्ट वाला ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री वाले हाइपोटेनस में से बी और डी बी वो है हाइपोटेनस, और साइड में सी डी ए और बी सी, तो बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह से
चारों के चारों एंगल कैसे हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 की 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यू वांट टू शो दैट, हमको शो करना है ट्राइंगल एआरबी, ये एआरबी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीईएम, ये दोनों ट्राइंगल क्या है पीईएम और एआरबी कॉन्ग्रुएंट है। इफ यू हैव टू यूज एसएसएस, अगर इन दोनों ट्राइंगल के लिए साइड क्राइटेरिया अगर यूज करते हैं देन यू नीड टू शो, हमें क्या शो करना पड़ेगा, तो एआर के साथ। ठीक है, एआर के साथ कौन सा आएगा, तो एआर के साथ हमारे पास एआरटी के साथ पीईएम कॉन्ग्रुएंट है, तो एआर के साथ आएगा पीई। ठीक है, एआर के साथ आएगा पीई, एआर इज इक्वल टू पीई, और आरटी आरटी इज इक्वल टू आएगा पीएम, और एटी एटी इज इक्वल टू आएगा पीएम, क्योंकि ये क्लॉकवाइज इस तरह से बताया एआरटी पीएम, तो हमको ऐसे ही देखना है एआरटी इक्वल पीई आएगा और दूसरा जो आर टी है उसके साथ पी एन आएगा और ये ए टी है ए टी के साथ पी एन आएगा। ठीक है, इफ इट इज गिवन द गिवन द गिवन दैट एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन एंड यू आर टू यूज एस एस, और हम क्या यूज कर रहे हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का, तो यू नीड टू हैव, तो देखो साइड एंगल साइड के साथ जाएंगे तो आर टी इज इक्वल टू आर टी के इक्वल क्या आएगा ई एन। ठीक है, और दूसरा पी एन, तो पी एन के साथ आएगा ए टी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे, इफ इट इज गिवन दैट क्या दिया गया है, तो ए टी इज इक्वल टू पी एन, अब ए टी के इक्वल पी एन है। ठीक है, एंड यू आर टू यूज, और हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हमको यूज करना है ये एसएमएस एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, अब हमारे पास क्या चाहिए, तो सी में हमें दोनों में कुछ दिया नहीं है, ऊपर वाले में तो हमको साइड दी थी। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है ए टी इज इक्वल टू पी एम और हमें साइड दिया गया है, बाकी कौन से एंगल लेंगे, तो ये साइड जो है तो ये और ये एंगल लेंगे। ठीक है, तो एंगल आर ए टी, हम इस तरह से एंगल आर ए टी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ई पी एम, एंगल आर ए टी इज इक्वल टू एंगल ई पी एम। ठीक है ना, आर ए टी के इक्वल क्या एंगल लेंगे ई पी एम। ठीक है, और दूसरा एक और एंगल लेना है क्योंकि हमें ए ऐसे दो एंगल होना चाहिए, तो एक एंगल ये ले लिया, तो अब ये ले लेंगे एंगल टी और एंगल एम, तो एंगल ए टी आर एंगल ATR ATR is equal to angle ENE। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो एंगल बताने थे लास्ट में कि कौन से दो एंगल इक्वल बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से हमें सॉल्व करना था, अब आपको इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यू हैव टू शो दैट, हमें शो क्या करना है ट्राइंगल ए एम पी, मीन्स ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन द फॉलोइंग प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ दिए गए हैं। ठीक है, सप्लाई द मिसिंग रीजन्स, ये रीजन्स हमें लिखने हैं, तो पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, पी एम और क्यू एम इक्वल है, तो यहाँ सिंबल करके दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हमको गिवन लिखेंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, पी एम एम क्यू गिवन है, पी एम क्यू एम, एंगल पी एम ए क्यू एम ए, एंगल पी एम ए और क्यू पी एम ए और क्यू एम ए, ये भी ये सिंबल से हमें ये क्या है गिवन है, यहाँ लिखेंगे गिवन। और दूसरा ए एम इज इक्वल टू ए एम, तो ये ए एम जो है वो ट्राइंगल ए पी एम में भी ए एम है और ए क्यू एम में भी ए एम है, तो ये दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है।
बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन इन बोथ, मीन्स दोनों ट्राइंगल में ए एम जो है वो एक कॉमन साइड है। और अब हम खुद हमें दिया गया है एक साइड, ये दो साइड और ये कॉमन साइड है, मतलब दो साइड है और एक एंगल है। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पे साइड दिया है, एंगल दिया है, साइड दिया है। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल या तो फिर क्राइटेरियन लिखते हैं, ठीक है, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, क्राइटेरियन लिखो या रूल लिखो। तो ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 30 एंगल बी 40 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 110। हमने डायग्राम भी बनाया रहता है, ए 30 है, बी 40 और सी 110 है ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी 30 एंगल पी 40 एंड एंगल आर 110। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल बाई बी ड्रॉ कर लिया है, एंगल पी 30 डिग्री, एंगल पी 40 डिग्री और एंगल आर 110 डिग्री है। और स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, वो स्टूडेंट कह रहा है बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो बाय ए ए ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इज ही जस्टिफाइड, मतलब ये जो उसने कहा है कि ए ए ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो जस्टिफाई कर रहा है, तो नो ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है ही नहीं। तो नो आंसर लिखेंगे नो ही इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि ऐसा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है ही नहीं। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए ए ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमें खाली आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नो ही इज नॉट जस्टिफाई, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ये इज नॉट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। पीछे नीचे हमें रीजन भी लिख देने का, यही तो हमारा 2 लाइन में लिखा हुआ आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन 5 इन द फिगर, यहाँ पे फिगर दिया गया है द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पे मार्क किए गए हैं, इसके आर के साथ है डब्ल्यू, टी के साथ होगा एन और ए के साथ होगा ओ, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, आर मार्क। वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी, आर ए टी के साथ कौन सा हम ट्राइंगल का नाम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है वो चेक कर लेते हैं, वी हैव, तो आर के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है डब्ल्यू, ठीक है, आर के साथ डब्ल्यू है, ए के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, ए के साथ होगा ओ, ठीक है। तो और दूसरा टी के साथ करस्पॉन्ड, टी के साथ है एन, तो यहाँ देखो आर ए टी के साथ हो जाएगा डब्ल्यू ओ एन, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन लिखेंगे, बस इस तरह से हमें बताना था कि आर ए टी के साथ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, तो ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी करना है।